विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नक या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलील ज़मा आपका एम के डी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अलिफ अलिसान इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से आज अलिफ फाउंडेशन के दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसका उनवान है नौजवान सुधर जाओ और संभल जाओ। इसकी ये उनवान लेने की वजह यह है क्योंकि आजकल हम बहुत जो है हमारे मुआशरे में देख रहे हैं, कई सारे हमारे नौजवान भाई हो या बहन हो, कई सारी चीज़ों में, कई सारे गैर गलत चीज़ों में मुलविस हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर शराब नोशी है, जुआ है, सिगरेट है, और जो है गलत काम है, गलत जो है इस तरीके से कामों में फंस चुके हैं जो अपने आप को निकालने से मुश्किल में आ रहे हैं। और ड्रग्स का एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे नौजवानों में ये बहुत आम हो चुका है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमने देखा, कॉलेजेस से हमको कंप्लेंट्स आए हैं, वालिदैन जो है हमारे पास आते हैं कि बताते हैं कि हमारे जो है नौजवान बच्चे ड्रग ले रहे हैं, सिगरेट में परेशान हैं, और किसी लड़की के चक्कर में परेशान है। तो कई सारे परेशानियों से आज हमारी कौम, उम्मत मुस्लिमा की कौम, और हमारे बिलखसूस नौजवान जो है भटक रहे हैं। तो इनकी सुधार के लिए हमको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो नौजवान है जो अगले शायद हो सकता है कि 10, 15 या 20 साल के बाद वही हमारी कौम के जो है एक रहबर बनने के काबिल बन सकते हैं। आज के अगर हमारे नौजवान जो है अगर रहनुमाई नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि जेलों में हमारे नौजवानों की कसरत ज़्यादा हो। और ये बिलखसूस हमने हमारे आँखों से देखा पिछले हफ्ते ही, जब हमने चंचलगुड़ा जेल की विज़िट किया, एज एडवोकेट हमने जाके देखा तो वहाँ पर हमारे कई सारे नौजवान फंसे हुए हैं। और ऑब्जर्वेशन होम, यानी छोटे बच्चों की जेल को ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है सईदाबाद पर, वहाँ पर भी हमने जाके देखा कि हमारे नौजवान छोटे बच्चे वहाँ पर, चाहे वो मर्डर के सिलसिले में हो, मर्डर केस में या अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में या ड्रग्स या कोकीन के ऐसे केसेस में आकर जो है अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो आज हमको चाहिए, कौम के रहबरों को चाहिए, उलमा को चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को चाहिए, दानिश्वरों को चाहिए, वकला को चाहिए कि हमारे मुस्लिम नौजवानों को समझाए कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है, यही आवारागर्दी करते हुए या फिर जो है ऐसे काम करे जिससे सोसाइटी का ना कोई फ़ायदा हो, ना घर वालों का कोई फ़ायदा हो, ना अपनी खुद की ज़िंदगी का फ़ायदा हो। ऐसी अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ना खुद के काम के लिए है, ना किसी सोसाइटी के लिए काम के, ना घर वालों के काम के लिए है, ना माँ बाप के लिए काम के लिए। तो मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वो जो है दीनी तालीम हासिल करे, असरी तालीम हासिल करे, अपना नाम अच्छा करे, अपनी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का नाम अच्छा कर इस दुनिया को कुछ ना कुछ भलाई और अच्छी चीज़ देकर जाए। आज हमारे नौजवान जो है रील्स में फंसे हुए हैं, आज हमारे नौजवान जो है टिकटॉक में या फिर फेसबुक में या फिर वीडियोस बनाने में या फिर कुछ ऐसे कामों में फंसे हुए जिससे जो है कामयाबी का दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। कामयाबी असल चाहिए तो हमको हमारा दीन इस्लाम सीखना पड़ेगा, उसके तालीमात पर अमल करना पड़ेगा, और असरी तालीम हासिल करिए, दुनिया में नाम रोशन करिए, अपना खुद का नाम रोशन करिए, वालिदैन का नाम रोशन करिए, ताकि जो है इस दुनिया और आखिरत में तुम्हारा नाम तुम्हारे जाने के बाद लिया जाए। तो यही मैसेज इंशाल्लाह हम आज के इस बयान में देने वाले हैं इंशाल्लाह।